ऑक्साइड और CFC जैसी गैसेस का ये ब्लैंकेट बना ली, जिससे क्या हो रहा है कि हमारे पास जो हार्मफुल गैसेज और हार्मफुल रेजेस जिनको बाहर जाना चाहिए वो अर्थ के अंदर ही रह रही हैं। अब यही सारी चीज़ें हमारे पास क्या हैं, ये हमारे पास हैं सबमिशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, हमारे पास कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब आप लोगों को ये जो हम लोग ने 3 स्टॉल्स लगाए हैं, ये सारे 3 स्टॉल्स हैं हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग के, हम लोग बताएंगे कि आप इसको कैसे As you all can see, these are plastic shopper bags which are commonly used everywhere. These are very harmful and hazardous for our health. Instead of using these plastic, you should use paper bags. And कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे पास paper bags में भी नहीं आ सकती, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें D2W biodegradable shopper bags यूज़ करने चाहिए जो कि कुछ दिनों में खुद ही decompose हो जाते हैं। ये decompose यही इन्हीं plastic का decompose sample है हमारे पास, आप लोग देख सकते हैं कि ये कुछ ही दिनों में खुद ही ऐसे decompose हो जाते हैं, ठीक है। आप लोगों को इसको यूज़ करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ऑर्डिनरी एंड गुड प्लास्टिक। ऑर्डिनरी प्लास्टिक, इनके अंदर जो है वो लाइफ टाइम का डिफरेंस होता है। ऑर्डिनरी प्लास्टिक जो हमारे पास होती है वो लेती है 100+ ईयर्स डिकम्पोज होने में, और जो गुड प्लास्टिक होती है वो 700+ ईयर्स लेती है। अब हम एक प्लास्टिक लें, उसको यहाँ रख दें, 700 ईयर्स बाद भी अगर हम उसको देखेंगे ना तो वो वैसे ही पड़ी रहेगी, उसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं होगा उसको। इसलिए आप लोगों को D2W शॉपर बैग्स यूज़ करने चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टायरोफोम, जो कि स्लो पॉइजन भी कहलाता है। अब क्या होता है, इसमें हॉट फूड वगैरह आप लोग यूज़ करते हैं तो इसके अंदर जो इट इंक्लूड्स 3 थिंग्स, बेंजीन, कार्सिनोजिन, स्टायरीन। जब आप लोग ये इसमें फूड वगैरह यूज़ करते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर से जो गैसेज रिलीज़ होती हैं वो आप लोगों की हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह हैं, कैंसर कॉज कर सकती हैं, नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब कर सकती है, इम्यून सिस्टम आपका कमज़ोर कर रही है, ये अननोन एलर्जीज जो इससे हो रही हैं हमें। आप लोगों को स्टायरोफोम की जगह क्या यूज़ करना है, इसकी रिप्लेसमेंट हमारे पास क्या है, प्लास्टिक। प्लास्टिक भी हार्मफुल है, लेकिन प्लास्टिक लेस हार्मफुल है हमारे पास, ठीक है। प्लास्टिक की जगह बेस्ट क्या है कि आप लोग एल्युमिनियम यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मेलामाइन के बर्तन, जो कि कॉमनली हर घर में ही यूज़ होते हैं, लेकिन ये बहुत डेंजरस है क्योंकि हम लोग इसमें हॉट फूड वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं जो कि नहीं यूज़ करने चाहिए। क्या होता है, इसमें से गैसेस जो होती हैं, केमिकल्स जो होते हैं, वो हमारे स्टमक में जाके डिजीजेस कॉज करते हैं। इसकी जगह, इसकी रिप्लेसमेंट हमारे पास क्या है कि हम लोग स्टील के बर्तन यूज़ करें, ठीक है। स्टील के बर्तन हमें घरों में यूज़ करने चाहिए। उसके बाद आप ये देखें, ये आप लोग देखें, ये क्या है पहले तो आप लोग बताएं, स्प्रे पेंट, कलर स्प्रे। ये देखें, ये आप लोग को इसमें से कलर आता हुआ नजर आ रहा है, और इसमें से एक गैस भी इमिट आउट हो रही है, वो गैस क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या गैस का नाम है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक बहुत हार्मफुल गैस है जो कि ओजोन लेयर के नीचे जाके डिपॉजिट हो रही है, जिससे एक ब्लैंकेट फॉर्म हो रहा है, जिसकी वजह से जो हार्मफुल गैसेज है वो रिटर्न बैक नहीं हो पा रही ओजोन लेयर से। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को नो CFC वाले ये परफ्यूम्स, ड्यूडेंट वगैरह, स्नो स्प्रे, कलर स्प्रे वगैरह बाय करना है। सब देख सकते हैं यहाँ पे पीछे लिखा होता है, अगर नहीं लिखा है इसका मतलब इसके अंदर CFC प्रेजेंट है। ओजोन फ्रेंडली भी लिखा हो सकता है, अगर नहीं लिखा मतलब इसके अंदर CFC प्रेजेंट है जो कि बहुत हार्मफुल है। आप लोग प्राइस तो देखते हैं ना, उसके साथ आप लोग ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे CFC है या नहीं, वगैरह। अच्छा, परफ्यूम्स में भी यही होता है, यहाँ पे देखें ये सिंबल बना हुआ होता है, ठीक है। इसमें कहीं भी नहीं बना हुआ, कहीं भी आप देख सकते हैं नहीं बना, इसका मतलब इसके अंदर CFC प्रेजेंट है जो कि बहुत हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मॉडल पे आप लोग मूव कर जाएं, हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट है। कहाँ लगाया था, ये मॉडल हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट का है। आप लोग भी से कोई बता सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट किसको कहते हैं, ग्रीन हाउस का मतलब पता है, कोई भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता है। नो, ग्रीन हाउस इज नेचुरल, ग्रीन हाउस इज नेचुरल फिनोमेना ऑफ ट्रैपिंग ऑफ गैसेस।
ठीक है, हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट दो तरह का है, एक नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट और एक है ह्यूमन इन्हेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब देखो आप लोग मुझे बताओ आप लोग को कौन सा ग्रीन हाउस ज़्यादा अच्छा लग रहा है? वो वाला। ये लोग को ये देखना कि यहाँ पर ट्रीज प्लांटेड है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि हम लोग ने ट्रीज को भी दी भी है कि ट्रीज का पहले तो एडवांटेज क्या होता है कि इसका रेशो मिनिमाइज कर देता है CO2 का रेशो मिनिमाइज हो जाता है, तो ये ओजोन के नीचे एक ब्लैंकेट नहीं बनाता। अब यहाँ पे आप देखें हमारे पास सनलाइट आ रही है, सन के हमारे पास तीन कंपोनेंट्स हैं, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेजेस। विजिबल लाइट का हमें यूज़ है क्योंकि विजिबल लाइट अगर किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो उसका कलर ब्राइट हो जाता, मतलब उसका कलर हमारी आइज में आ जाता है। ये हमारे एनवायरनमेंट को हीट अप करता है और जो हार्मफुल गैसेस जैसे अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड रेजेस ये वापस चली जाती है। ये वाला जो ओजोन है हमारे पास, सन के नीचे जो ओजोन हमारे पास है, ये ओजोन बिल्कुल अच्छी हालत में है, मतलब डिप्लीटेड नहीं है। मेन आंसर ये कि इसका ये डिप्लीटेड नहीं है, डिपॉजिट नहीं हुई है अभी, और इसके नीचे कोई ब्लैंकेट नहीं है। अब ह्यूमन इन्हेंस में आप लोग देखें कि हमारे पास इधर रिसोर्सेज का हम लोग ने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, हम लोग मशीनरीज पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, हम शॉर्ट डिस्टेंसेज में कार्स यूज़ करते हैं। इससे इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे पास जो सनलाइट आ रही है और जो ब्लैंकेट, ये डिप्लीटेड ओजोन है। पहले तो हार्मफुल गैसेज भी इनके अंदर आ रही हैं और जो हार्मफुल गैसेज या फिर रेज जो वापस जानी चाहिए थी वो यहाँ से बाउंस बैक हो रही हैं उस ब्लैंकेट से और यहाँ पर डिजीज़ कॉज कर रही हैं। डिजीज़ कौन सी डिजीज़ है? हमारे पास एक न्यूजीलैंड में इंसिडेंट हुआ था, जब लोग सन बाथ ले रहे थे तो उनकी स्किन पे रेड स्पॉट्स पड़ने लगे। जब उन्होंने डॉक्टर्स को विजिट किया तो उन्हें पता चला कि वो डिजीज़ जो थी वो कोई एलर्जी नहीं थी, उनको सन बर्न हो गया। तो ये जो सन बर्न है ना, ये हार्मफुल गैसेस की वजह से होता है। यही चीज़ हम आपको अपने नेक्स्ट मॉडल में बताते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए, ये हमारे पास दो थर्मामीटर्स हैं। आप लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि इन दोनों का टेम्परेचर सेम होगा? नो। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाया हुआ है। ये क्या है कि इस वाले थर्मामीटर का हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस वन। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास हीट लॉस नहीं हो रही, हम इसमें हीट ट्रैप कर रहे हैं और इसमें क्या हो रहा है कि हीट एनवायरनमेंट में लॉस्ट हो रही है। यहाँ पे देखिए कि अब इसकी बेस्ट एग्जांपल हमें क्या पता चलती है कि आप लोग अगर कार शेड में ना खड़ी रखें और सनलाइट डायरेक्ट कार के ग्लास पे पड़ रही, तो इससे क्या होता है कि इसके अंदर सनलाइट जा रही होती है, हीट ट्रैप हो रही होती है, कोई जरिया नहीं होता, कोई विंडो ओपन नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने गर्मियों में देखा होगा, जब जैसे ही आप कार का गेट खोलते हैं तो क्या होता है, आप लोग जो जाके बैठते हैं, अगर एसी ऑन नहीं है उस कार में, आप लोग को उसका टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा एज़ कम्पेयर टू बाहर का। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम इसमें हीट ट्रैप हो रही है। अब ये जो हमारा नेक्स्ट मॉडल है, ये हाइड्रोस्फीयर का मॉडल है। अच्छा, आप तो मुझे बताएं हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड स्फीयर मीन्स अर्थ। अब हमारे पास जो पूरे अर्थ में वाटर है वो 10,000 यूनिट्स ऑफ वाटर अर्थ जो है वो कंटेन करता है, जिसमें से 9,700 जो है वो मैरीन वाटर है जो कि हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद 300 हमारे पास आ जाता है फ्रेश वाटर, वो भी थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर में डिवाइडेड है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में हमारे पास ग्लेशियर्स आ जाते हैं, ठीक है, नॉर्दर्न एरियाज में आप लोगों ने देखे होंगे आइस कैप्स वगैरह। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मॉइस्चर, जो कि 3 यूनिट्स है हमारे पास, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग गर्मियों में पानी की बॉटल निकाल के रखते हैं फ्रिज से, तो उसके ऊपर वाटर ड्रॉप्स आ जाते हैं, वो क्या होते हैं, वो वाटर वेपर्स ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं 90 यूनिट्स जो है हमारे पास ग्राउंड वाटर है, और 1 यूनिट जो है हमारे पास सरफेस वाटर, लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स वगैरह में जो होते हैं, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। अब देखें ये कितना कम है। अब ग्लोबल वार्मिंग का इस पर क्या इफेक्ट आ रहा है? अब अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी तो हमारे ग्लेशियर्स पिघलेंगे, ठीक है, ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो वो क्या आएंगे, सरफेस वाटर की तरफ आएंगे। जब सरफेस वाटर की तरफ आएंगे तो अगर हमारे अर्थ पे एक यूनिट ऑफ वाटर है, अब अगर एक यूनिट और आ जाएगा तो क्या होगा, सैलाब आ जाएंगे, फ्लडिंग्स हो जाएंगी, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हो जाएगा, फैक्ट्रीज, हाउसेज, हमारे खेत वगैरह, ये सब कुछ तबाह हो जाएगा। तो हमें ग्लोबल वार्मिंग को कम करना चाहिए, जो हमने आपको अपने पहले स्टोर पे बताया कि आप लोगों को प्लास्टिक का यूज़ कम करना चाहिए और स्टायरोफोम वगैरह, ये सब ग्रीन हाउस इफेक्ट, ट्रीज प्लांट्स करने चाहिए, यही सब कुछ आप लोगों ने करना है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। अब हम आपको कंक्लूजन देंगे। अब
अब हम यहाँ किस लिए हैं? हम यहाँ पे हैं वर्ल्ड स्काउट्स एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बैच के लिए आए हैं। सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि यूज़ विदाउट मिसयूज़। आपको अपने रिसोर्सेज का जो इस्तेमाल करना है वो यूज़ तो करना है, लेकिन उसका मिसयूज़ नहीं करना। आप लोगों के पास सारी रिसोर्सेज हैं, आपके पास वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी और जितनी भी रिसोर्सेज हैं, आपको उनका यूज़ करना है लेकिन मिसयूज़ नहीं करना। आपको सस्टेनेबिलिटी अपनी लाइफ में लानी है, ट्रीज प्लांट करने हैं, प्लास्टिक का यूज़ कम करना है। और एक और चीज़ हमारे पास आ जाती है, ये आप बताइए क्या होता है? टिश्यू पेपर। और पेपर किससे बनता है? ट्रीज से। जो पेपर बनता है वो बनता है हमारे पास मेच्योर ट्रीज से, और जो टिश्यू पेपर बनते हैं वो इमेच्योर ट्रीज से बनते हैं। सॉफ्ट चाहिए होते हैं टिश्यू पेपर, इसलिए इमेच्योर। जो मेच्योर ट्रीज होते हैं वो तो अपना ग्रोथ कर चुके होते हैं, और अगर लेंगे तो फिर तो वो आगे ग्रो कर ही नहीं सकते। तो इसलिए हमें टिश्यू पेपर्स को अवॉइड करना है, और उसकी जगह हमें ये हैंकरचीफ या फिर क्लॉथ के रुमाल और ऐसी चीज़ें यूज़ करनी है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।